हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। और आज हम लोग जाएंगे हमेशा की तरह ब्राजीलिया में अपने मेन हाउस में चलते हैं। लेकिन आज का कुछ स्पेशल है यार, आज हमने कुछ हटके पहना हुआ है नया वाला बंडल। वैसे इसका लुक बहुत स्केरी है। मुझे आप लोगों का दोस्तों एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। आप लोग जब भी इस बंडल को देखते हैं तो आपको पहले हंसी आती है या फिर आपको सच में डर लगता है यार ये कितना खतरनाक बंडल है? ऐसा कहते हो, यहाँ पे एक बंदा आया, आ जा भाई। अच्छा, सोलो वर्सेस स्क्वाड भाई, इंडियन सर्वर पे नहीं? नहीं 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 भाई, तुमने वैसे ही मीना सर्वर में तो दबदबा बनाया, पर इंडियन में नहीं। इंडियन में दबदबा बनाने के लिए हम लोग है ना, आप मीना सर्वर में दबदबा बनाओ, हम इंडिया में। ओके, एक और बंदा आया, पर यहाँ पे ये कर क्या रहा है थोड़ा? अरे ऊपर कैसे आया तू? अभी नीचे था, अभी यहाँ आ गया। ये क्या चक्कर है? दूसरे कमरे में जाता हूँ एक बार। नहीं, यहाँ पे नहीं आया, नीचे भाग गया शायद इतनी जल्दी। फिर वहाँ पे खड़ा है भाई, तेरे को सदमा लग गया क्या? नीचे जाके खड़े हो जा रहा है, फिर अचानक से ऊपर आया, फिर नीचे जाके वहीं पर खड़े हो गया। ओई भाई, नीचे लैंडमाइन है, इसका मतलब गाइस मेरे ख्याल से दूसरी टीम यहाँ पे आ गई है। मैं अपना ग्रेनेड रेडी रखता हूँ, जैसे कोई ऊपर रश करेगा ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओहो, कोई भी नहीं आया, बहुत तेज लगता है बंदे। चलो कोई बात नहीं, हम भी शेर हैं, इतनी आसानी से नहीं मरेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ है भी नहीं यार, अली शॉर्ट गन नहीं चलानी पड़ेगी। एक बंदा आया, तुरंत सुला दिया, इसका टीम मेट आएगा, नेट कर दूंगा। अरे अरे, रश ना कर दे यार, ये रिस्क नहीं लेते हम लोग। ये बात, सीधे हेडशॉट हो रहा है इसको। चार केस तो दोस्तों मेरे यहाँ पे हो गए, पर नीचे यहाँ पे और बंदे आते जा रहे हैं धीरे धीरे। अपना नेट मैं रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि एक नेट तो मेरे पास बचा है। हाँ, नीचे ये, चलो नेट को मैं कुक करता हूँ। जैसे ही ऊपर आएगा ना, मेरे ख्याल से नीचे कैम कर रहा है वो। भाग गया भाग गया भाग गया। एक काम करते हैं, हम लोग नीचे से घूम के जाते हैं, अभी इसको बताते हैं। अगर ये लोमड़ी है तो हम भी शेर है भाई। तू तेज खोपड़ी तोड़ा, हम तेज पंजा मारेंगे। और यहाँ पे ये हो गया मस्त करके डाउन। पता नहीं कौन सी दुनिया में यार ये लोग, तुरंत नीचे से घूम कर आ गया, इसको पता भी नहीं चला। चलो इसके दोस्तों को हम वेट करते हैं दोस्तों, क्योंकि ना ये सिर्फ डाउन हुआ है। इसके दोस्तों जैसे ही रिवाइव करने आएंगे उनको भी हम बना देंगे लोमड़ी। लेकिन आज ही मेरे पिंक को क्या हो रहा है देखो, 174 150, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? चलो कोई नहीं, आज हमारे पास बंडल हो रुपये वाला है, इसलिए आज भले ही 999 क्यों ना हो, नहीं यार 999 थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर आज 500 पिंग भी क्यों ना हो, हम लोग भूया कर लेंगे। मतलब कोशिश पूरी रहेगी यार, कहने में क्या जाता है, कह दिया। वैसे आज यार स्नैपर चलाने का बड़ा मूड है, बाउंटी में तो मिला नहीं, पर कोई बात नहीं, थोड़ा आगे जाके देख लेंगे। अभी तो हमने लूट कर ही गया, एक ही घर में हम कूदे थे और उसी में सारे बंदे आ गए, 5 के 5 बंदे हमने मार भी दिया है। थोड़ा आगे जाके देखते हैं, हमें और एनिमीज मिलेंगे तो शायद हमको वहाँ पे स्नैपर वगैरह मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो लाइक वाले बटन को दबा देना, उसके साथ साथ जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारे जल्दी से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट भी कंप्लीट हो जाए। बाकी आप लोग अभी देखते रहो दोस्तों कि हम लोग कैसे धूम मचाने वाला है यार। अभी तो हमारे बस फॉर्म में आना शुरू हुआ है। ये देखो एक बार बंदा आया, गाड़ी लेके भाग रहा है, ब्राजील से भागने की कोशिश कर रहा है शायद। ब्राजीलिया से कैसे भाग सकते हो तुम, हम इधर ही है। और क्या बात है, क्या जिप्सी लेके भाग रहा था यार वो भी। इस सच्चा भाई तू पैदल भाग लेता, खुलेआम भाग रहा है, गोली पड़ने के बाद ही भागे जा रहा है वो, पता नहीं कौन सी दुनिया से आया हुआ है। यहाँ पे एक वेस्ट अपग्रेडर है, इसको मैं अपग्रेड कर लेता हूँ। अपने पास सिर्फ लेवल 2 का ही सामान है, लेवल 4 के जमाने में हम लेवल 2 बन के घूम रहे हैं। बताओ ऐसा कैसे काम चलेंगे भाई, ऐसा कैसे काम चलेंगे, ये कौन सी भाषा बोल रहा हूँ मैं? ओके, बंदा आया, अरे वाह 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 वाह, क्या हेडशॉट पड़ा उसको, अनजाने में पड़ा, पर यार पड़ा वो मैटर करता है, कैसे पड़ा ये मैटर नहीं करता है। चलो जिप्सी वाले को तो मैंने पूरा सुला दिया है। ओए होए, अब आएगा ना असली मजा वीडियो। यहाँ पे भाई जिप्सी वाला, अच्छा हो गया हम सही टाइम में पहुंच गया। अगर ये जिप्सी वाला निकल जाता ना सक्सेसफुली, अगर भाग जाता, हमारी ये M2 भी आज हाथ से निकल जाती। चलो दूसरे वाले के पास चलते हैं। इतने को वैसे टीममेट वगैरह कहां है यार, तुम लोग अकेले अकेले घूम रहे हो क्या? मेरे ख्याल से जिप्सी वाले का ही टीममेट होगा, बचाने आ रहा होगा। बाद में इतना भारी भरकम शरीर देख के मेरे ख्याल से ये भाग गया, लेकिन भाग भी नहीं पाया बेचारा। चलो इसको भी हेडशॉट लग गया था मस्त करके। अभी देखते हैं इसके पास क्या है खाने पानी में। ओहो, कुछ भी नहीं है इसके पास तो, गरीब आदमी है ये तो, गरीबी में आटा गीला हो गया बेचारे का, हेडशॉट खा दिया। चलो कोई नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ पे हो गए मस्त करके 7 किल्स और अभी भी पूरे 27 बंदे अलाए हुए यार। और सबसे अच्छी बात यार, हमको एक स्नैपर मिल गया। अभी स्नैपर जैसे मिलती है ना, वहाँ से गेम खेलने का मजा अलग ही हो जाता है। ब्राजीलिया दोस्तों पूरा कम्प्लीट हो गया, अब हम सीधे चलते हैं सेंट्रल पे और देखते हैं यार हमको बंदे कहाँ पे मिलेंगे। धूम मचा रहा वाली बाइक में इतना ज्यादा घूमना, ये मेरे को बाइक मिल गई थी वहाँ पे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल पे मिल गई थी और वहां से मैं इतना ज्यादा घूमा, मैंने 2-3 ड्रॉ भी लूट लिए। उसके आगे पूरा फील्ड वाला एरिया घूम के, उसके बाद वो लास्ट वाले पूरा मैप है वहां तक मैं घूमने गया, पर दूर दूर तक भाई साहब एक चींटी तक नहीं दिखी मुझे। वैसे फ्री फायर में चींटियां होती नहीं है। अब यार तुम लोग ये मत कहना बैच भाई, हमारे सामने तो एनिमी से चींटी होते हैं। वैसे होते होंगे, अच्छी बात है। कहने में क्या जाता है यार, तुम सब लोग प्रो लोग हो, मुझे पता है यार, हर रोज को नूब थोड़ी रहता है। ये देखो चार लोग कैसे मजे में जा रहे हैं, ये लोग मैंने सालों बाद देखा कोई ऐसा स्क्वाड जो ऐसे सफर कर रहा है पानी में। भाई लोग रील्स बनाए हो क्या तुम लोग, टिकटॉक बनाने आए हो क्या? दोस्ती बहुत गहरी है इनकी स्क्वाड वालों की। ये देखो ये बेचारा तैर रहा है, एक फटका और खा ले मेरे भाई, कितना तैरेगा कितना तैरेगा, मक्खियों की तरह तैर रहा है ये तो। चला आ जाइए, एक और बतख आदमी यहाँ पे, बतख आदमी अपनी बतख दिखा दे। एक बंदा वैसे ऊपर तो आया था ना राइट साइड में, पर वो डरा हुआ है। ये देखो भाग रहे,
ओ यार आउट ऑफ रेंज हो गया वो टावर, उसके पीछे ही होगा ट्री के पीछे। एक फटका खा ले 99 खा ले। हमारे पास भी रोनाल्डो है भैया, सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास भी है। बस हमें ना थोड़ी ऊपर वाले का ख्याल रखना, क्योंकि एक बंदा राइट साइड में आ गया था, तो दोनों जगह ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पता चला जो जो उसमें अपने पैदल हो गए, अब गोलियां मार रहे हैं ये लोग, पर कुछ नहीं कर पाओगे भाई। मेरे पास वो देखो छोटे आलू कितने ढेर सारे हैं, 10-10 है, अभी तो 9 बजे में, और लेवल 3 का वेस्ट भी है। तो गाइज मेन ना हमको अभी मानना है कि पेड़ वालों को, एक पेड़ के पीछे दो लोग छुपे हुए हैं और बाकी इनका एक टीममेट मैंने मार दिया, और एक अभी ऊपर कोई भागा था, वो पता नहीं कहाँ चले गया। कमॉन बॉय पीक कर ले एक बार, एक फटका खा ले, ये बात बस एक फटका और। अरे अरे ऊपर वाला आ गया, इतने देर में कहाँ से आ गया? मेरे ख्याल से ना डर के मारे पहले ब्राजीलिया भाग गया होगा, इसके बाद इसके दोस्तों ने उसको खूब बुलाया होगा तभी वापस आया। भाई ये क्या झाड़ी बन के आ रहा है ये वुकोंग? ए भाई ए चचा ए, ऐसा डरा मत भाई, मेरे पास ग्लोबल बहुत सारी है, आ जा बेटा तू सीधे फट। ओ भाई साहब भाई यार डबल बैरल थी, मेरा तो चैप्टर ही क्लोज कर देता है, तभी इसके बाद इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये पास आ रहा था। और मेरे ख्याल से इसका वुकोंग भी मैक्स लेवल है यार, इतने देर तक ये बना हुआ था ना इसकी एबिलिटी, अब इसको इमोट दिखाना तो बनता ही है। चलो इसके जो बाकी बंदे देखो गाइस, अभी भी ना राइट साइड में भागा, या तो ये पेड़ में है या फिर वो टावर पे है। ये हट में देख लेता है यार लकड़ी वाले घर में, जैसे ही एक बार पीक करेगा ना फिर इसको बताते हैं, तब तक हम इसको मारते नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से रिवाइव करने तो पक्का आएगा। चल भाई अब तो बहुत देर हो गई, अब तो पीक कर ले, इतना क्या सोचने में टाइम लगा रहा है ये। ए वो ऊपर भाग गया, वो ऊपर भाग गया भाई यार, मेरे ख्याल से इसने इसको ऊपर वापस लगा दिया। इसने भाई ये खतरनाक आदमी है स्टोन मैन, तू यहाँ से निकल ले, रैंक बचा ले, क्योंकि देखो जोन भी शुरू होने वाला है। पर फिर भी हम अभी रेस खेलेंगे, पूरा अच्छे से देखते हुए जाएंगे हर जगह। पता नहीं उनकी क्या ही बॉन्डिंग थी, देखा अपने स्क्वाड वालों की, मस्त करके पानी में तैर रहे, अपनी अपनी गाड़ी में दो दो करके बैठे हैं, पता नहीं गपशप मारते हुए रिकॉर्डिंग करते हुए चल रहे होंगे, टिकटॉक वीडियो बना रहे होंगे। चलो मैं अपना ये एक्टिवेट कर लेता हूँ, ड्रोन मैंने एक ड्रॉप से लिया हुआ था, शायद आसपास कोई बंदे दिख जाएंगे। सामने एक और ड्रॉप है वैसे, बस वो पीछे वाले धोखा नहीं देता यार, मुझे तो इतना तो पता कि हाँ आई एम वेरी श्योर कि वो जोन के अंदर ही भाग रहेंगे, वरना वो फाइट करने तो पक्का आते। पर उसने देखा कि जैसे जैसे भाई एक एक करके उसके सारे टीममेट्स मरते जा रहे हैं, तो लास्ट वाले ने कहा भाई अब मैं यहाँ से निकल ही लेता हूँ तुरंत, ज्यादा हीरोपंती नहीं दिखाता हूँ, तुरंत रैंक बचाने निकल लेता हूँ, शायद मैं बाद में बुया निकलूं, पर नहीं मेरे भाई बुया तो हम ही ले जाएंगे, स्टोन मैन है आज हम। भारी भरकम शरीर लेके तो भारी भरकम बुया तो बनते यार। गाइस क्या लगता है लोगों को कितने किल्स होंगे आज हमारे, 20+ होंगे क्या? अरे पीछे से बंदे आ गए, अब ये कौन है भाई, ये नए मेहमान कहाँ से आ गए? अब थोड़ा रिस्क है यार, कहीं वो पीछे वाला ना आ जाए। पहले सामने देख रहे थे कि कहाँ से मारा, यहाँ से दिख भी नहीं रहा यार, नाव के कवर में हम लोग अभी। पहले अच्छे से हम मेडिकेट मार लेते, उसके बाद देखेंगे कहाँ से मारा था, लेफ्ट साइड से आ रही है शायद गोलियाँ, हाँ लेफ्ट साइड में ही है वो, देखो पूरी गैंग आ रही। ओ भाई पूरी गैंग है ये तो, ओह ये तो रस कर रहा है, ये तो दिक्कत की बात हो सकती है यार, क्योंकि ना जो पीछे वाला बंदा वो मेरे को हेडशॉट मार सकता है तब तक। एक अच्छा यहाँ पे एडवांटेज है कि मेरे पास ना यहाँ पे M2 भी है, तो ग्लोबॉल 4 बार मारूंगा इन लोगों को, डैमेज होगा। एक गया, एक नीले चट्टी वाला भी है, एक फटा खाया उसने भी, और ये भी गया भाई। चलो लास्ट बंदा है शायद अभी, हाँ लास्ट बंदा भाग रहा है, गोली मारा भाई साहब मस्त वाला स्कोर वाइप हो गया यार, वरना अभी ना सिचुएशन बड़ी हॉट होते जा रही थी। वो तो अच्छा कि लास्ट जो पीछे बंदा भागा था उसने हमको कुछ मारा नहीं पीछे से, अगर वो मारता तो शायद हमारा किस्सा यहीं पे खत्म हो जाता यार। बाकी जैसे ये लोग रस कर रहे थे जिस स्पीड में, अगर M2 की जगह कोई दूसरी गन होती थी तो मैं भाई नहीं रोक पाता, क्योंकि ये लोग बहुत पास थे, फटाफट से ग्लोबॉल लगा के रस कर देते, बट हमारे पास यहाँ पे M2 तो हमने ग्लोबॉल के आर पार इन लोगों को मजा चखा दिया, धूल चढ़ा दी है पूरी, और तीन लोगों को हमने मस्त करके मार दिया। बट यहाँ पे छोटी सी दिक्कत ये है ना कि अपने पास देखो अभी सिर्फ 2 गोलियां बची है, पर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो इन लोगों के पास एमओ भी नहीं मिली स्नाइपर की, बट कोई बात नहीं, हम 2 एमओ भी हमारे बहुत ज्यादा होती है, हम स्नाइपर तो नहीं छोड़ने वाले यार, हम ऐसे ही ढूंढेंगे। अभी तो जोन भी बनने वाला, देखते हैं कि आखिरी वाले जोन में शायद जो पीछे बंदा भागा था वो को नदी पार करने तो पक्का आएगा, और वो हमारे पास अच्छा मौका होगा, तो ये 2 गोली से हम उसको उड़ा देंगे। बाकी बजे के देख लेंगे यार, अभी तो जोन भी छोटा जा रहा है, बाकी हम शॉट गन तो है ही अपने पास। एक नहीं यार वहाँ पे वो 2 बंदे थे, अभी मुझे याद आ गया, एक मैंने पानी में मारा था, और एक जो वहाँ पे झाड़ी बन गया वुकोंग बन के जो आ रहा था उसको हमने सुला दिया था। इसका मतलब जो पीछे होगा वो 2 बंदे है यार, वो 2 बंदे होने के बाद भी इतने डर रहे हैं, वो पहली भाग गए, उसमें से उन्होंने मुझे डैमेज तो अच्छा खासा दिया था, पर चलो कोई बात नहीं। देखो लेफ्ट साइड में एक रेड मार्क आ रहा है, शायद यहाँ पे कोई बंदा है, तो बाकी को 2 एम है, उसके बाद हम कुछ एयर एम वगैरह देख लेंगे जैसा भी सीन रहेगा। ये देखो ये रहा वो लड़की, आजा भाई आजा आजा, और एक फटका, वहां पे वो पक्का किसी ना किसी से तो भाग ही रही थी, वहां पे क्राउच छुके चलने लगी थी, हो सकता है वो टावर पे बंदा हो, या फिर ये टावर से अभी अभी कूद के आई होगी, कुछ भी हो सकता है। चलो जो भी है यार, लास्ट बंदी बची हुई थी तो उसको भी हमने उड़ा ही दिया, तो देखते हैं इसके बाद स्कार है यार, स्कार लेने का मेरा मन है नहीं, क्योंकि देखो जोन कितना छोटा है, तो एक काम करते हैं गाइस हम लोग MP40 अभी उठा लेते हैं, MP40 और शॉटगन दोनों हम शॉटगन अपने उठा लेते हैं। तेरे किस देखो, क्योंकि हमारे दोस्तों आराम से हो गए और अभी भी पूरे 9 बंदे बचे हुए हैं, और सर्कल देखो कितना ज्यादा छोटा है, तो हमको यार शॉटगन वेपन ही यहाँ पे काम करने वाली है, ग्लोबॉल भी साथ है मोर देन इनफ। बाकी ऊपर देखो अभी भी किसी ने ड्रॉप मंगाया, यहीं पर चलते हैं सीधे, ये अकेला ये 2 बंदे जितने भी होंगे इनको भी देख लेंगे हम। अभी लगता है यहाँ पे घमासान युद्ध हुआ है, वो लड़की शायद यही युद्ध निपटा के आ रही थी,
पीछे डबल स्नैपर थी यार, क्योंकि पहले हम इसको देख लेता कहीं मेरे को मार ना दे नेड वगैरह, तो इसलिए पहले मैं नेड कर लेता, मेरे पास भी नेड है। नेड नीचे चले गया क्या? हाँ नेड एक मेरे ख्याल से नीचे चले गया था, अभी थोड़ा कोऑर्डिनेट करते हैं, इसका ड्रॉप ही नीचे आ गया, ये गया लेकिन मर क्यों नहीं रहा ये भाई, कौन सी जगह छुपा है बंदा। ये नेट भी सही था फिर भी नहीं मरा यार, ये क्या कर रहा है। पहले मैं ना यहाँ पे अपनी वॉल से अच्छे से कवर बना लेता हूँ, उसके बाद ये डबल M2 भी ले लेता हूँ, और फिर होगा कि दोस्तों हमारा असली गेम शुरू, असली तांडव तो अब होगा मेरे भाई। वैसे तो 9 बंदे बचे पर कोई बात नहीं, 9 बंदे के लिए भी हमारी डबल स्नैपर मोर देन इनफ होने वाली है। जो ये टावर वाला ना इसमें खास डबल स्नैपर मारने का वक्त आ गया। ओ भाई इसको अचानक से कहां से शक्ति आ गया, इतने दूर नेट कर रहा है और मेरे को लग भी गया कमाल की बात। वाह भाई मेरा एक भी नेट नहीं लगा, उसको मेरा नेट लग गया, देखो बाइक राइडर आ रहा है, एक फटका पड़ा उसको पर अब निकल गया, सिर्फ आउट ऑफ जोन हो गया, आउट ऑफ विजिबिलिटी। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। ओके दोस्तों ना वहाँ पे फाइट चल रही है यार, वहाँ पे मेरे ख्याल से एक और स्क्वाड है, और ये देखो नीचे से बंदा आ रहा है, ये पड़ा इसको सीधे खोपड़े में, और इसके बाद भी M2 जैसे दिख रही है मुझे, देखो दूर से ये उठा दिया मैंने इसको। यार मैंने अभी शॉटगन ही ली हुई है क्या, मेरे को लगा मैंने डबल स्नैपर उठा लिया है। चलो कोई बात नहीं, पूरी स्क्वाड रेस कर रही है भाई, स्नैपर हम वो भी उठा लेंगे, इनको मार लेते हैं एक फटका, और लड़का भी गया लास्ट बंदा, और ओपी वाला हेडशॉट यार। चलो इनका भी स्क्वाड बड़ी ओपी तरीके से यहाँ पे वाइप हो गया, ये देखो ये बंदा टावर वाला जो स्टंप को नेट करके यहाँ पे छुप गया था भीड़ से, हेड पे एम नहीं आ रहा यार इसके। वाह लैंडमाइन भी लगा दिया उसने। चलो कोई नहीं हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, नीचे तो भाई तेरे को आना ही पड़ेगा क्योंकि जोन भी आने वाला है, इसको नीचे आना पड़ेगा। देखो जो इसने ड्रॉप मंगाया था ना इसने अभी ये भी नहीं लूटा है, और इसने हेड दिखाया सीधे चैप्टर क्लोज। नीचे अलग बात चलते दोस्तों, इसके बाद एक स्नैपर भी थी, तो इसके बाद स्नैपर एमओ भी ले लेंगे और स्नैपर को लूट भी लेंगे, तो हम यहाँ से वहाँ पर हो जाएगी डबल स्नैपर। 18 के दोस्तों हमारे मस्त करके यहाँ पे हो गया है, और अभी भी पूरे 4 बंदे बचे, यानी कि एक स्क्वाड अभी और है जिससे हमारा सामना होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सीधे जोन के अंदर, क्योंकि डबल स्नैपर भी कंधे में आई गई है, और बाकी एक स्क्वाड तो भाई देख लेंगे, जोन बहुत छोटा है। इस साइड में तो कोई नहीं दिख रहा मुझे, लेफ्ट साइड में कोई नहीं होगा, राइट साइड हम अभी क्लियर करके आ गए, जो भी होंगे बंदे सब नीचे होंगे अभी, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे लास्ट हूँ, तो यहाँ से व्यू अच्छा मिलेगा ऊपर से। ये देखो यहाँ पर है ये 2 बंदे, 1 2 3 4, चलो 4 गोली बंदे हुए किस्सा खत्म। ओके मुझे लगा यार पूरी स्क्वाड होगी, पर नहीं यहाँ पे तो ये 2-2 अलग अलग टीम है, सही हो गया। अब मेरे ख्याल से सिर्फ 2 बंदे बचे, हाँ सिर्फ 2 ही बंदे बचे हुए हैं, और आसपास तो कोई दिख नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से वो जो लास्ट वाला पत्थर है ना पानी के पास, ये वही बंदे। ओके गाइस ये वही बंदे जो इस टाइम भाग गए थे, जो पानी में गाड़ी भगा रहे थे ना, टिकटॉक वीडियो जो बना रहे थे, जो 2 भाग गए थे, ये वही है शायद। ये देखो भाई ये लोग अभी मेरे ख्याल से टीम अप भी कर, मेरे ख्याल से गाइस अच्छे से डर गए, पर नहीं नहीं अब हम टीम अप नहीं करेंगे यार, ये पहले हमको गोली पे चला रहे थे, इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्या होता है मैं नीचे जाऊँ ये लोग मुझे उड़ा दे। ये देखो इसको पहले नॉक करके देख लेते हैं, ये गया बंदा। ओके ब्लू वाली बहुत सारी है इनके पास, अगर गाइस इन लोगों ने मुझको गोली नहीं चला देती ना उस वक्त, तो मैं इनको पक्का टीम अप कर देता, उनको बुआ भी दे देता खुशी खुशी। ये देखो भाई गोली भी मार रहा है, देख रहे हो धोखा दे रहे हैं यार ये लोग, एक बंदा पीछे है वो टीम अप कर रहा है, ये वाला गोली मार रहा है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। इन दो को अब मैं उड़ा देता हूँ, 1 2 ये गया फाइनली, उठा देता हूँ पहले, और फिर एक बंदा बचा हुआ। इन लोगों ने दोस्तों पहले ही सरेंडर कर दिया, इनकी हालत खराब हो चुकी है, अब टीम अप करके भुया लेना चाहते हैं, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये हुआ ऐसा किस्सा खत्म, इसी के साथ दोस्तों हमारी आज हो गई है शानदार हुई है डबल M2P के साथ। आई होप आपने भी आज का गेम प्ले गाइस एंजॉय करा होगा, आप लोगों को गेम प्ले कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों हम लोग मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।